आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब प्लेन में, वो प्लेन नहीं। अभी तक एक वन डी मोशन हम पढ़ रहे थे, एक लाइन के लॉन्ग मोशन होने लग रहा था। अब जो है एक प्लेन में एक्स वाई एक्सिस आप दो बना देंगे। अब ये ग्राफ नहीं है, ये मैं टाइम एक्सिस नहीं ले रहा, ये मैं पोजीशन ले रहा हूं। इधर भी पोजीशन है और इधर भी पोजीशन है। वन डी मोशन में आप हर जगह क्या करते थे कि एक साइड पोजीशन लिया तो एक साइड टाइम या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, कोई इस तरह के ग्राफ बनाते थे। यहां पे क्या है, दोनों साइड पोजीशन साथ में बनाई, और मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं तो एक एक्स वाई प्लेन में मोशन होगा। ये एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। और इस एक्स वाई प्लेन में जो ऑब्जेक्ट है कहीं भी जा सकता है। अब उसकी पोजीशन किसी वक्त बताने के लिए, किसी भी वक्त उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, एक्स कोमा वाई। और ये इस प्लेन में पूरे रास्ते कैसे भी घूम सकते हैं। जैसे ये है, अब ये कोई ग्राफ नहीं है, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, दिस इज टू डी मोशन, टू डायमेंशनल। एक्स एक्सिस एक डायमेंशन, वाई एक्सिस एक डायमेंशन। और एट टाइम टी वो पार्टिकल यहां कहीं है, उसकी वेलोसिटी भी कहीं होगी वी, उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे वी एक्स और वी वाई। तो यहां ना हर चीज दो साइड में चलेगी, कैसे वो देखिए, एक टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूं। वो जो उत्सव वाली टेबल है वो किस तरह बनेगी, अब मैं वही आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक हम लिया करते थे फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम ये पांच चीजें लिखते थे, यू टी एस ए वी। तो यहां पे बनेगा उसका एक होगा एक्स कंपोनेंट और एक होगा उसका वाई कंपोनेंट। मान लो ये यहां से शुरू हुआ टी बराबर जीरो पे, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू। तो आप यू के दो टुकड़े कर देंगे शुरू में ही, एक यू का एक्स के अलोंग कंपोनेंट और एक यू का वाई के अलोंग कंपोनेंट। तो यू के जो दो कंपोनेंट होंगे, एक यू एक्स लिखा जाएगा और एक यू वाई। टी एट पॉइंट पी, टाइम अगर टी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, तो टाइम का एक्स कंपोनेंट भी टी होगा और टाइम का वाई कंपोनेंट भी टी होगा। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल को सीधा ज्वाइन कर दो, नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसके कंपोनेंट देखिए कैसे होंगे, अगर इस जगह के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट एक्स हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट वाई हो जाएगा। आप किसी टेढ़े-मेढ़े रास्ते पे जाओ, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट हुए हो, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट हुए हो तो एस के दो कंपोनेंट हमेशा ये लिखे जाएंगे, एक्स कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट वाई। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में कितना है, उसका एक कंपोनेंट ए एक्स होगा और एक कंपोनेंट ए वाई। एंड इस वक्त जो वेलोसिटी है टी टाइम पे, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे वी एक्स और वी वाई। टू डी मोशन आते ही उत्सव वाली टेबल थोड़ी सी बिखर जाएगी, दो पार्ट्स और आ जाएंगे उसमें, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब डिपेंड करता है कि आपको जनरल इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ रही है। जनरल इक्वेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज करने हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले में भी कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में।
कैसे? सुनिए आप बताओ, आपकी पहली इक्वेशन क्या लिखा करते थे हम? जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने शुरू में पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिखा करते थे? वी बराबर डीएक्स बाई डीटी लिखते थे वहां। यहां पे दो इक्वेशन बनेंगी, वी एक्स बराबर डीएक्स बाई डीटी एंड वी वाई बराबर डी वाई बाई डीटी। ये दो इक्वेशन हो जाएंगे, एक्स के अलोंग सेपरेट और वाई के अलोंग सेपरेट। अब आप बताओ दूसरी जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी? सेकंड जनरल इक्वेशन तीन ही थी मेनली, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डीटी। तो वो बन जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू डीवी एक्स बाई डीटी एंड ए वाई इज इक्वल टू डीवी वाई बाई डीटी। तीसरी और आखिरी जनरल इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? A is equal to V dV by dx। तो देखो ए एक्स इज इक्वल टू वी की जगह वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स एंड ए वाई इज इक्वल टू वी की जगह वी वाई डी वी वाई बाई डी वाई। ये आपकी तीन जनरल इक्वेशंस हैं, सेपरेट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, लिख लो एक बार ये। कोई भी कर्व पाथ है, कोई भी एक कर्व पाथ है, टी बराबर जीरो पे पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, टी टाइम पे पार्टिकल यहां है, किसी साइड वी वेलोसिटी से जा रहा है, पाथ के टेंजेंट, उस जगह पोजीशन है एक्स वाई। तो ये उत्सव वाली टेबल इस तरह से ब्रेक होती है और जो जनरल इक्वेशन है वो तीनों इस तरह से ब्रेक हो जाती है। आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं तब तक पार्टिसिपेंट्स देख रहा हूं, टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं मुझे छोड़ के, 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। आदित्य, भूमिका, भूपेश, दिवेश, हर्ष, जतिन गुप्ता, जितेश, मन्नत, मयंक, मयंक, मीनल, रौनक, रूपाक्षी, साक्षी, साक्षी यादव एंड तनिषा, ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो ये तो ऑलमोस्ट हाफ क्लास हुई, 16 बच्चे प्रेजेंट हैं, हमारी क्लास में शायद 30-31 बच्चे होंगे। क्या ऑनलाइन इतने ही आने हैं या सुबह फर्स्ट क्लास इसलिए आ नहीं पाए हैं? या फिजिक्स की क्लास इसलिए इतने आए हैं? क्या कारण है? देखो अगले टेस्ट तक तो काम ऐसे ही चलना है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये सिलेबस ऐसे ही कवर होगा अगले टेस्ट तक का, तो हमें ढंग से क्लास अटेंड करनी चाहिए। मुझे बताओ नोट हो गया है क्या या कर रहे हो अभी? ठीक है, जब हो जाए तो बता देना, बोल देना एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो
अब इसमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जिसको आपने फेंक दिया, जिसको आपने थ्रो किया। और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम स्ट्रेट पाथ नहीं, हम कौन सा पाथ पढ़ेंगे, कर्व पाथ। स्ट्रेट पाथ कौन सा था, स्ट्रेट पाथ जो ऊपर फेंका या नीचे ड्रॉप किया जैसे भी हुआ, वो जो पाथ थे वो स्ट्रेट पाथ थे। अब हमें कर्व पाथ पढ़ने होंगे। तो इसके अंदर हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कैसा, प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टावर, टावर से, छत से, मतलब नॉर्मल हाइट से, किसी नॉर्मल हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। अब ये वाला प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं। आपने अगर हेडिंग डाल दी हो तो मैं मिटा रहा हूं इसको एक बार, आप पहले लिख लो यहां तक हेडिंग लिख लो, फिर मैं पूरे बोर्ड पे वो शुरुआत करूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें भी कर्व पाथ, प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसको आपने थ्रो किया है, और इसमें आप एक हेडिंग डाल दीजिए प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टावर, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। हाँ भाई हो गया ना, हेडिंग लिख ली है। यस सर। ठीक है, देखो अभी पूरा बोर्ड हम यूज करेंगे। जैसे मान लो ये कोई एक टावर है, ये जमीन है, और सपोज टावर की हाइट है h, और ये h हमें गिवन है। सपोज टावर की हाइट है h और h हमें दे रखी है, और यहां से आपने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है विद सम स्पीड u। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ ये कर्व पाथ में जाएगा या स्ट्रेट पाथ में जाएगा। कर्व। और देखो कैसा कर्व वो भी सुनिए, ये यूं जाना है, इस तरह से जाना है, और ये यहां जाके टकरा गया। अब कुछ चीजें हम इसको भी कैसे एनालाइज करें वो देखना होगा, हमें कितनी दूर ये जाके गिरता है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उसको कहते हैं आर। आर का मतलब है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। सपोज आपने इसको प्रोजेक्ट किया एट टी इक्वल टू जीरो, तो किस समय ये जाके टकराया टी, उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। आपने यू स्पीड से फेंका है, फाइनली मान लो ये ऐसे आके टकराया विद सम वेलोसिटी वी नॉट, तो वी नॉट को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो इसका एनालिसिस करना है कि ये तीन चार चीजें हम निकाले कैसे, ये देखने। अब ये वन डी मोशन तो है नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, आप कहीं चले जाओ एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है और वो फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ये जो पूरा पाथ है दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पाथ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कॉन्स्टेंट है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तो तीन इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, कौन कौन सी तीन इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। परंतु दिक्कत क्या है कि वो वन डायमेंशनल इक्वेशन है, और ये जो मोशन है टू डायमेंशनल है, इसमें एक्स एक्सिस भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी।
तो यहाँ पे वो इक्वेशंस कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए ही हम ये उत्सव वाली टेबल अपनी बना के चलते हैं। देखो आपने वही टेबल बनाई जो आप उत्सव वाली टेबल बोल रहे हो, और फिर देखेंगे कि कैसे वो चीज यूज होनी है। यहां मैं पहली लाइन में लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी लाइन में एक्स कंपोनेंट, उसका एक्स कंपोनेंट, और तीसरी लाइन में उसका वाई कंपोनेंट। फिजिकल क्वांटिटी, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और ये उत्सव वाली टेबल पहले तैयार करें, उसके बाद काम को आगे बढ़ा पाएंगे। यू टी एस ए और वी, सबसे पहले यू लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो आप को एक यू एक्स लिखना पड़ेगा और एक यू वाई। अब सुनो, एक्स और वाई तो तब बनेंगे जब आपने कोई एक्सिस बनाए हो। इस डायग्राम में हमने ना तो कहीं एक्स एक्सिस दिखाया है और ना ही कहीं वाई एक्सिस, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आप मान लीजिए ओरिजिन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आप मान लीजिए ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान लीजिए अपनी तरफ से एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल डायरेक्शन को आप मान लीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड को वाई एक्सिस। ये हमारी अजम्पशन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस, ये हमारी अजम्पशन है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यू बताओ, यू को देखिए क्या यू बीच में है या एक एक्सिस के अलोंग है, क्या यू दोनों एक्सिस के बीच में कहीं ओरिएंटेड है या पूरा पूरा एक एक्सिस के अलोंग है। क्या यू पूरा एक्स के अलोंग है, क्या यू पूरा वाई के अलोंग है, क्या यू दोनों के बीच में है, बताओ। एक्स हाँ, अगर यू पूरा एक्स के अलोंग है तो यू एक्स यू हो जाएगा और यू वाई कितना हो जाएगा, जीरो। अब आप एक्सेलरेशन पे आओ, क्या एक्सेलरेशन पूरा एक ही एक्सिस के अलोंग है या बीच में है, बताओ एक्सेलरेशन देख के। हाँ, वाई के अलोंग हाँ, ओनली वाई के अलोंग है। अगर ए पूरा वाई के अलोंग है तो ए एक्स तो हो गया जीरो, और ए वाई सुनो अब या तो जी होगा या माइनस जी होगा। आप लोगों ने वाई एक्सिस नीचे माना है और उसकी डायरेक्शन भी नीचे है तो वो पॉजिटिव माना गया। अगर किसी ने वाई एक्सिस ऊपर मान लिया होता और एक्सेलरेशन नीचे है तो ए वाई जी ना लिख के क्या लिखते हम, क्या लिखते, माइनस जी। ठीक है, हाँ ठीक है, दो चीजें बन गई। अब तीन बची टी एस और वी, ये क्या होते हैं, एट टाइम टी एस कितना और वी कितना। तो एट टाइम टी, टी बराबर जीरो पे इसको फेंका है, मान लो टी बराबर टी पे ये यहां आ लिया, मैं इसको हटाता हूं बीच से, टी बराबर टी पे यहां आ लिया, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा एस। मैंने माना कि इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, बीच में कहीं आ गए, एक्स एक्सिस में एक्स चल लिया और वाई एक्सिस में वाई, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, जो वेलोसिटी होगी वो पाथ के टेंजेंशियल होगी, जो वेलोसिटी होगी वो पाथ के टेंजेंशियल होगी, जिसका एक कंपोनेंट होगा वी एक्स और एक कंपोनेंट होगा वी वाई। तो टी के तो कोई कंपोनेंट है नहीं, एट टाइम टी, टी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स और टी का वाई कंपोनेंट वी एक्स। एस के कंपोनेंट करवाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लेते हो तो इस जगह के जो कोऑर्डिनेट है वो एस के कंपोनेंट होते हैं। देखो ना आप, ये वाली लाइन तो होगी एक्स और ये वाली लाइन हो जानी है वाई, तो एस के कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई। ये आप याद रखो, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लिया तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट हमेशा एक्स होगा और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट हमेशा वही होगा। ठीक है, और वी, वी के टुकड़े मैंने डायग्राम में दिखा दिए हैं जो अननोन है, ये वी एक्स और ये वी वाई। देखो यू जो होता है
यू, ये होता है t इक्वल टू जीरो। ए जो है दिस इज कॉन्स्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है एट ऑल टाइम, सभी समय ये कॉन्स्टेंट है। ये जो v है ये हम लिखते हैं एट टाइम t, एट टाइम t, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी हम लिखते हैं एट टाइम t। आप बताओ ये टेबल समझ आई क्या, कब क्या लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाती है t इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है एट टाइम t, एक्सेलेरेशन हर समय, वेलोसिटी लिखी जाती है एट टाइम t, और टाइम के कोई कंपोनेंट होते नहीं है। एक बार बताओ मुझे क्या ये डायग्राम क्लियर है आपको? हाँ बना भी लो, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगा, और इसको समझ भी लो, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा पूछ लो। एस के कोऑर्डिनेट बताता हूँ, देखो टी बराबर जीरो पे आपने फेंका, ये यूं कर्व पाथ में टी बराबर टी टाइम पे यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल को सीधा जोड़ो, उसके रास्ते मत जाओ, सीधा जोड़ो, वो एस होता है। अब मुझे इस एस के टुकड़े करने, मान लो इस एक्स वाई प्लेन में इस जगह के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो ये जो एस है, ये जो एस है इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। बताओ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या ये दो इसके कंपोनेंट है कि नहीं? और अगर इस जगह की पोजीशन है एक्स कोमा वाई, अगर इस जगह की पोजीशन है एक्स कोमा वाई, तो भाई ये कोऑर्डिनेट एक्स है और ये वाला कोऑर्डिनेट वाई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट तो खुद एक्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट वाई हो गया। बताओ समझ आ गया? और आप याद रखो, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लिया गया है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट एक्स होगा और वाई कंपोनेंट वाई ही होना है, ठीक है? अब आप ये नोट कर लो, मैं तब तक रुका हुआ हूं, ये सारी चीज नोट हो, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं ये पूछ लेता हूं, क्या विजिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ भाई, या नेट की वजह से या वैसे कोई दिक्कत हो, या ठीक दिख रहा है बोर्ड? सही है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताना अगर नोट हो जाए तो, फिर इसका यूज करेंगे हम। हाँ भाई, हो गया नोट? ठीक है। अब देखो इस टेबल को यूज कैसे करना है वो सुनिए। सबसे मेन बात ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो हम वो अपनी चारों पांचों तीन चार जो इक्वेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो बोर्ड छोटा ही है तो मैं इसको मिटा भी नहीं सकता, यहीं पे करवाऊंगा, कुछ चीजें मिटा गई। तो पहली एडिंग आप डालिए, अगर ये नोट हो गया है तो पहली एडिंग आप डालिए पोजीशन एट टाइम टी,
पोजीशन एट टाइम टी, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। पोजीशन एट टाइम टी, सबसे पहली हेडिंग। मतलब मुझे ये x निकालना है और ये y निकालना है। इसको निकालने का तरीका सुनो, ये x और y s में निकलेंगे, s आ गया तो ये आएंगे, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने के वजह से क्या ये वाली इक्वेशन वैलिड है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बताओ क्या ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं। ठीक है, इसको ना एक बार लगा दो अलोंग एक्स एक्सिस, कैसे लगाने मैं सिखाऊंगा अभी, एक बार आप लगा दीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, और एक बार लगा देंगे अलोंग वाई एक्सिस। कैसे लगाएंगे सुनो, ये टेबल उसी के लिए है, जब x के लॉन्ग लगाओ तो ये सारी वैल्यूज यूज करो, ये सारी वैल्यूज। चलो करते हैं, x के लॉन्ग, s की जगह इसमें क्या है, s की जगह x, u की जगह क्या है इसमें, इसमें u, t की जगह t प्लस हाफ, a की जगह, और t की जगह t। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो पहली इक्वेशन बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स बराबर यू टी, इक्वेशन नंबर वन। तो मेरे को किसी भी टी टाइम पे एक्स पोजीशन निकालना आ गया, अब आप वाई पोजीशन निकालिए, किसी भी टी टाइम पे अब आप वाई पोजीशन निकालिए कि क्या होगी, यही इक्वेशन वाई के लॉन्ग लगवाओ, एस की जगह क्या आ गया y, u की जगह, u की जगह देख के बताओ, जीरो, इंटू t की जगह t प्लस हाफ, a की जगह g और t स्क्वायर। तो अगर आप यहां से देखें तो जो y की इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। इसका मतलब मुझे मिल गया पोजीशन एट टाइम टी, पोजीशन एट टाइम टी मेरे पास आ चुकी है, कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा यू टी, और वाई कोऑर्डिनेट होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप बताएं पोजीशन एट टाइम टी समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हुई कि भाई ये हमने निकाल लिया जो हमें पता नहीं था। अगली चीज अब आप निकालेंगे, पहले नोट कर लो, अगर नहीं हुआ है तो पहले आराम से नोट कीजिए। हाँ भाई हो गया, अगली चीज यहां से जो हम निकालेंगे वो होगा इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो ब्लू कलर में जो पाथ दिख रहा है इस एक्स वाई प्लेन में, ये स्ट्रेट पाथ तो है नहीं, अब कर्व पाथ तो सर्कल भी हो सकता है, कर्व पाथ तो पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी, इलिप्स भी, तो ये कौन सा कर्व पाथ है, हम उस पर चलते हैं। पहली हेडिंग आपने डाली थी पोजिशन एट टाइम टी, अब दूसरी हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ कर्व पाथ। ये लिखने के बाद हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ कर्व्ड पाथ, करें वे स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाथ,
दरअसल इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। अगर वो वाई और एक्स इस तरह रिलेट होके आगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो स्ट्रेट लाइन पाथ है। कोई और कर्व आ जाए तो वो कौन सा कर्व है, वो हमने मैथमेटिकल टूल्स के दौरान पढ़े थे हम लोग उस चीज ना। तो चलिए अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। देखो वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए तो तरीका क्या होता है, जब जब आपको फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना पड़ेगा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, दोनों से टाइम को एलिमिनेट करके वाई और एक्स में रिलेशन ले आओ। तो यहां पे हमें क्या करना होगा वो मैं लिखता हूं, जो हम यहां करने वाले हैं एलिमिनेट टी टाइम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। कैसे एलिमिनेट करेंगे, बहुत आसान तरीका, इक्वेशन वन से टी लाके उसमें पुट कर दो, एलिमिनेट हो गया। तो इक्वेशन वन से आप टी बताओ कितना आ रहा है, 50। फ्रॉम इक्वेशन वन टी कितना आ रहा है, बोलो भाई आ रहा होगा ये इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन टू तो y बराबर हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, तो y बराबर जी अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ जी एंड यू आर कॉन्स्टेंट, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई y बराबर सम के एक्स स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ आई, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बताओ ये कौन सा पाथ होता था, हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा ये, अभी कौन सा पाथ होता था ये, पैराबोला। इससे पता लग गया कि पाथ इज पैराबोलिक। जब भी आप किसी चीज को ग्राउंड पे यूं फेंकते हैं तो वो जो कर्ड पाथ बन के जाता है वो पाथ हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक। तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ पाथ समझ आ गई है, वाई बराबर जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप होमवर्क के लिए, क्योंकि ये मीटिंग कभी भी ऑफ हो सकती है, पहले दो तीन चीजें लिखो, उनमें जितना हो पाएगा अभी हम कर रहे हैं। ये नोट कर लिया, ये वाला नोट, ठीक है। अब जो अगली तीन चीजें जो आप निकालेंगे, नंबर तीन टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे आने तक का टाइम, इन्हीं की मदद से नंबर चार हॉरिजॉन्टल रेंज आर, इन्हीं इक्वेशंस की मदद से, एंड नंबर पांच वेलोसिटी एट टाइम टी, एंड नंबर छह फाइनल वेलोसिटी वी नोट, टकराते वक्त जो वेलोसिटी होगी वी नोट। ये चार चीजें और आपको निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये और ये। पहले आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे, भाई जिस वक्त ये नीचे टकराया उस वक्त y कितना है, इस जगह के कोऑर्डिनेट बताओ, इस जगह के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है क्या आपको, एक्स वाई प्लेन से इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे r कोमा h, भाई ये कितनी दूर x में गया वो तो रेंज है, और कितना नीचे आया वो हमें यहां से दिख रहा है। पहले बताओ ये कोऑर्डिनेट समझ आए क्या, अब ये तो अननोन है लेकिन ये नोन है, तो ये वाली चीज कैसे निकलेगी वो सुने, एट टी बराबर कैपिटल टी वाई की वैल्यू एच है, यूज इक्वेशन टू। आप देखो अपने नोट्स में इक्वेशन टू का यूज कीजिए फटाफट, इक्वेशन टू क्या है, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर,
वाई की जगह एच रखा, हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट टू एच वाई जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू एच वाई जी, और ये वो का वो आ गया है अंडर रूट टू एच वाई जी, ये वो का वो आ गया है जो आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं साइड से तो भी वो इतनी ही देर में लौट के नीचे आ रहा था। चलो नंबर तीन हो गया, अब ये कैसे निकाले नंबर चार हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां देखो एट टी बराबर टी एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या ये समझ आ रहा है क्या? एट टी बराबर टी एक्स इज आर, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी आपकी? एक्स बराबर यू टी, तो इसमें उठा के ये रख दो आर बराबर यू इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी अभी हमने निकाला अंडर रूट ऑफ टू एच वाई जी। बताओ भाई रेंज निकालनी आ गई क्या? हाँ जी बोलिए, क्लियर है ना? अब जो अगली दो चीजें हैं वो आपका होमवर्क टाइप हो जाएगा क्योंकि मीटिंग ऑफ होने वाली है। वेलोसिटी एट टाइम टी, इसके लिए अब आपको वो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बार अलोंग x एक्सिस एक बार अलोंग y एक्सिस, एंड इन टेबल से सारी वैल्यू रखना, एक से vx निकलेगा एक से vy निकलेगा, और फिर v वेक्टर हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप, और v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बताओ करोगे ट्राई? ठीक है, ये वाला आप ट्राई करना और फिर उसी से फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लेना। कल कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू।